नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आपका स्वागत है। सर्दियों के दिनों में गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ हमें किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। आज हम बनाएंगे गुड़ का हलवा, जो कि अमृतसरी स्पेशल है। जगह जगह अमृतसर में ये मिलता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही आसान है बनाना। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों। गुड़ का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, गुड़, देसी घी, सौगी यानी कि किशमिश, खरबूजे के बीज और रेड कलर यानी कि संदूरी रंग। हमने एक कढ़ाई ले ली है। गुड़ का हलवा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। इस तरह से चम्मच को भर लेंगे और इसमें दो चम्मच भरकर देसी घी के डालेंगे। हम मेल्ट करके नहीं डालेंगे, इसी तरह से जो है हमने देसी घी को डालना है। इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। हमने एक कटोरी सूजी का हलवा बनाना है। हमने ये सूजी जो लेनी है, मोटे वाली सूजी लेंगे। बारीक वाली सूजी अवॉइड करें। अगर इन केस आपको मोटे वाली सूजी नहीं मिलती है तो आप बारीक वाली ले सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि सूजी जो है ये इस तरह की मोटी वाली लें। मैंने जो सूजी ली है अर्जुन की सूजी ली है, मिल जाती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं। तो हमारा घी जो है ये ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाला है। इसकी जो हलवे की जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें बराबर एक ही कटोरी से मेजर हमने इसको करना है। जो भी हम एक बार मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं उसी से हमने सारी मेजरमेंट्स जो है इसी से करनी है। मेजरमेंट जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक कटोरी सूजी के लिए ये हम इसमें डाल देते हैं। गैस को बिल्कुल हल्का कर देंगे, ये इसमें डाल देते हैं और इसको हिला लेंगे। गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे। जितनी हल्की आपकी गैस होगी उतना ही सूजी आपकी जो है बढ़िया बनेगी। बिल्कुल हल्की गैस में इसको भून लें। सबसे जो मीडियम सबसे हल्की वाली आपकी जो गैस है उसमें इसको भूनने के लिए रखें। इस तरह से इसको भूनते रहें। इसमें अब हम डालेंगे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज भी आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। हम इसमें आधा चम्मच खरबूजे के बीज डालेंगे। इसको हिला लेंगे। बिल्कुल हल्की गैस में इसको इसी तरह से भूनने देंगे। जब तक ये भून रहा है हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। हमने हलवे को बनाने के लिए गुड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं। गुड़ ये हमने जो है सवा कटोरी गुड़ की लेनी है, यानी कि जितनी हमने सूजी ली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा गुड़। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ गुड़ से ही इसको बना सकते हैं। तो हम एक पैन में गुड़ को डाल लेते हैं। तो ये सवा कटोरी गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी की मेजरमेंट से हम पानी डालेंगे। जैसे हमने एक कटोरी सूजी की ली है तो हम इसमें तीन कटोरी पानी की डालते हैं। इसी कटोरी की मेजरमेंट से हमने सूजी ली थी, इसी कटोरी की मेजरमेंट से हमने गुड़ लिया और इसी कटोरी की मेजरमेंट से हम पानी डाल देंगे। इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। साथ साथ हम सूजी को भी हिलाते रहेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे ये सौगी यानी कि किशमिश। हमने 20-25 किशमिश लिए, ये डाल देते हैं इसमें। एक चम्मच हम इसमें खरबूजे का बीज डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट डालने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से हम हिला लेंगे। एक बार इसको लगातार हिलाते रहेंगे जब तक गुड़ हमारा मेल्ट ना हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए। सूजी को हमने लगातार हिलाते रहना है ताकि हमारी सूजी जो है नीचे ना लगे, लाल ना हो ज़्यादा, बराबर की हमने हर तरफ से लाल करनी है। तो हल्की गैस पे इसको इसी तरह से हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे। ध्यान रहे, दोबारा आपको मैं बता रही हूँ कि गैस बिल्कुल हल्की वाली रखिए। अब देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल हमारा मेल्ट हो गया है और ये अच्छे से बॉयल भी हो गया हमारा। तो हमने इसी तरह से इसको एक मिनट के लिए बॉयल करना है और गैस को फिर बॉयल हो चुका है, गैस को कर देते हैं बंद। अब देख सकते हैं कलर किस तरह से चेंज होने लगा है। थोड़ा सा इसको अभी और ब्राउन करेंगे। अच्छे से हमने इसको भून लिया। आप देख सकते हैं कलर किस तरह से इसका चेंज हो गया है। लगातार हिलाते हुए हमने इसको भूनना है। इसमें अब हम डालेंगे संदूरी रंग यानी कि रेड कलर 1/3 स्पून और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे वो गुड़ वाला जो पानी हमने बॉयल किया है वो डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेंगे।
ये कलर जो है आपने देखा होगा कि मैंने इसको सूजी के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया पानी डालने से, गुड़ का पानी डालने से पहले, वो इसलिए क्योंकि गुड़ का कलर जो होता है थोड़ा ब्राउन होता है। अगर हम इसको गुड़ में डालकर बॉईल करेंगे तो इसका हलवे का जो कलर है वो ब्राउनिश टोन में आएगा। अब आप देख सकते हैं इस टाइम कि कलर जो है थोड़ा सा रेडिश टोन में है। इस तरह से इसको हिलाएंगे तो आपने देखा कितना आसान है बनाना। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है हमारा गैस का सूजी को भूनने के टाइम बिल्कुल हल्का होना चाहिए। बिल्कुल हल्का मतलब कि बिल्कुल हल्का, ये नहीं कि तेज फ्लेम में हम उसको हल्का कर दें तो हम उसको हल्का बोलें। जो आपके पास सबसे सारे फ्लेम में से सबसे हल्का वाला है उसमें रखें। आप उसको रख कर इधर उधर काम कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि इसको भूनने में टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है। आप इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। बाकी जितना अच्छा जितनी स्लो गैस में हम इसको भूनेंगे हमारा हलवा जो है उतना ही दानेदार खिला हुआ बनेगा। इस तरह से इसको हिलाएं। अब गैस को हल्का कर लेते हैं, अब इसको हल्के फ्लेम में ढक देते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसको हल्की गैस पर रखा है, चेक कर लेते हैं। इसको हिलाते हैं, हलवा हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। साइड से घी जो है पैन ने छोड़ दिया है। अब देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको ढक देते हैं और साइड कर देंगे। जितनी देर हमने इसको ढक के रखा हुआ है हम एक पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। पैन लिया है, पैन में हमने देसी घी डाला है, इसमें अब हम बादाम की गिरियां और अखरोट डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट डालेंगे, आप अपने पसंद से थोड़ा सा डाल सकते हैं। हलवा हमारा रेडी है सर्व होने के लिए। हम एक बोल लेंगे, उसमें डाल लेंगे अपने हलवा। ये कुछ बादाम और अखरोट हैं जो हमें फ्राई करें हैं, वो ऊपर से हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी बढ़िया जो है हमारा गुड़ का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।